Hello, a very warm welcome to everyone. This is Dr. Muhammad Shahnawaz Alam, the director of the ASCENT, the Center for Learning English, KG Road, Ara. Dear students, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं how to tell the time in English language. अंग्रेजी भाषा में समय को हम कैसे बताएं? So, dear viewers, let us begin the topic how to tell the time in English language. And the first question is, एक बजा है. एक बजा है या एक बज रहा है, इसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? सो द इंग्लिश सेंटेंस फॉर दिस हिंदी वॉक इज, इट इज़ वन और इट इज़ वन ओ क्लॉक. बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट, लेकिन बेहतर यह है कि हम सिर्फ इट इज़ वन कहें और कॉन्टेक्स्ट से बात समझ में आ जाएगी कि इट इज़ वन ओ क्लॉक बोला जा रहा है. सो एक बजा है, इट इज़ वन और इट इज़ वन ओ क्लॉक. सिमिलरली दो बजा है, इट इज़ टू और इट इज़ टू ओ क्लॉक. तीन बजा है, इट इज़ थ्री और थ्री ओ क्लॉक. सिमिलरली दस बजा है, इट इज़ टेन और टेन ओ क्लॉक. सो इस तरह से आप बारह बजा है, इट इज़ ट्वेल्व ओ क्लॉक कर सकते हैं. अब ये तो बात हो गई आर की, एच ओ यू आर घंटे की. अब हम बात करेंगे मिनट की, कि मिनट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. सो नाउ द सेकेंड सेंटेंस, एक बजकर पाँच मिनट हुआ है. डियर व्यूवर्स, यहाँ हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि मिनट और घंटे में विच ऑफ़ द टू इज़ स्मॉलर एंड विच ऑफ़ द टू इज़ ग्रेटर. तो आपको पता है कि मिनट छोटा होता है और घंटा बड़ा होता है. तो जब भी हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करेंगे, सबसे पहले हम छोटे देंगे, छोटे चीज़ को देंगे, मतलब मिनट को देंगे, और फिर हम घंटे को देंगे. तो एक बजकर पाँच मिनट हुआ है, हम ट्रांसलेट करेंगे, इट इज़ फाइव पास्ट वन. इट इज़ फाइव पास्ट वन. यहाँ जो वर्ड फाइव है दैट शोज मिनट और जो वन है दैट शोज आर. सो हमेशा ये ध्यान रखें कि पहले छोटी चीज़ होगी फिर बड़ी होगी. तो इट इज़ फाइव पास्ट वन. यहाँ पर इट इज़ फाइव पास्ट वन ओ क्लॉक नहीं कर सकते. सो एक बजकर पाँच मिनट हुआ है या एक बजकर पाँच मिनट हो रहा है, दोनों वाक्यों का इंग्लिश एक ही होगा, इट इज़ फाइव पास्ट वन. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. दस बजकर पाँच मिनट हो रहा है, हाउ कैन यू ट्रांसलेट इट? इट इज़ फाइव पास्ट टेन. यस, यू आर मेकिंग इट राइट. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. एक बजकर दस मिनट हुआ है, पहले पाँच मिनट था अब दस मिनट हुआ है, तो क्या करेंगे? इट इज़ टेन पास्ट वन. तो पाँच मिनट हुआ, इट इज़ फाइव पास्ट वन. एक बजकर दस मिनट हुआ, इट इज़ टेन पास्ट वन. नाउ एक बजकर पंद्रह मिनट हुआ है, इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि सवा एक बजा है, और दोनों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन एक ही होगा. यहाँ पर आप एक बात और ध्यान दें कि पाँच के लिए हमने फाइव लगाया था और दस के लिए हमने टेन लगाया था, बट वी कैन नॉट यूज़ फिफ्टीन फॉर पंद्रह. यहाँ जब टाइमिंग की बात होगी तो हम पंद्रह के लिए या सवा के लिए क्वार्टर का प्रयोग करेंगे. सो एक बजकर पंद्रह मिनट हुआ है या सवा एक बजा है, इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट वन. इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट वन. यू कैन नॉट से इट इज़ फिफ्टीन पास्ट वन, यू कांट से दैट. सो इट इज़ बेटर टू से इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट वन. सिमिलरली सवा दस बजा है, इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट टेन. लेट अस मूव अहेड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बजकर बीस मिनट हुआ है, बहुत आसान है, इट इज़ ट्वेंटी पास्ट वन. सिमिलरली एक बजकर पच्चीस मिनट हुआ है, इट इज़ ट्वेंटी फाइव पास्ट वन. पाँच के लिए फाइव, दस के लिए टेन और पंद्रह के लिए फिफ्टीन नहीं, क्वार्टर. सिमिलरली बीस के लिए ट्वेंटी हमने लगाया था और पच्चीस के लिए ट्वेंटी फाइव. अब बात आ रही है एक बजकर तीस मिनट हुआ है या हो रहा है, और हम यूँ भी कह सकते हैं कि डेढ़ बजा है. जिस तरह से 15 के लिए हमने 50 नहीं लगाया था, क्वार्टर का प्रयोग किया था, सिमिलरली हम 30 के लिए 30 का प्रयोग नहीं करेंगे, हियर वी विल यूज़ हाफ. सो डेढ़ बजा है या एक बजकर 30 मिनट हुआ है, वी विल से इट, वी विल एक्सप्रेस इट इन दिस वे, इट इज़ अ हाफ पास्ट वन. इट इज़ अ हाफ पास्ट वन. सो ढाई बजा है, इट इज़ अ हाफ पास्ट टू. साढ़े तीन बजा है, इट इज़ अ हाफ पास्ट थ्री. साढ़े दस बजा है, इट इज़ अ हाफ पास्ट टेन. सो डियर व्यूवर्स, आप समझ गए होंगे कि एक पाँच, एक दस, एक पंद्रह को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश भाषा में. अब यहाँ पर ये बचकर बात आई थी. अब जब हम तीस से जैसे ही ऊपर पहुँचेंगे,
31 से 31, 32, 35, 40, 45 इधर जाएंगे तो हम सफ़र इधर से तय नहीं करेंगे कि बचकर हुआ है, बल्कि हम रिवर्स जाएंगे। तो अगर ट्रांसलेशन ये हो या आपको ये कहना हो कि एक बजकर 35 मिनट हुआ है, तो आप यूँ नहीं कहेंगे कि इट इज़ 35 past 1। नो, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। तो ऐसे इसको हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ऐसे हम इसको बोल नहीं सकते। तो हम ऐसे करेंगे कि एक बजकर 35 मिनट हुआ है, दैट मीन्स 2:25 कम है। सिमिलरली एक बजकर 45 मिनट हुआ है, तो हम ये नहीं कहेंगे इट इज़ 45 past 1, हम कहेंगे 2:15 कम है या 1:45 है। तो आपने देखा कि बजकर के लिए जिस वर्ड का हमने प्रयोग किया था वो वर्ड था पास्ट। अब अगर हमें ये कहना हो कि 1:05 कम है, 1:05 कम है, तो बचकर के लिए पास्ट शब्द का प्रयोग हमने किया था। अब कम के लिए या बाकी के लिए हम शब्द टू का प्रयोग करेंगे। लेट अस टेक द एग्जांपल, 1:05 कम है। सिमिलरली वही बाद होगी, पहले मिनट बाद में घंटा। इट इज़ 5:02, इट इज़ 5:01। सो 2:05 कम है, इट इज़ 5:02। 3:05 कम है, इट इज़ 5:03। सिमिलरली 10:05 कम है, इट इज़ 5:10। सो 1:15 कम है, दैट मीन्स 1:15 है। या अगर यूँ कहा जाए कि 12:45 हुआ है, तो तीनों सेंटेंसेस को जो इंग्लिश में हम व्यक्त करेंगे वो एक ही होगा, एंड दैट इज़ इट इज़ 1:15। इट इज़ 1:15। सिमिलरली 1:45 है, इट इज़ 1:45। 10:15 है, इट इज़ 1:45। 11:00 है, इट इज़ 1:45। तो आपने ये समझ लिया। तो आपने देखा कि बचकर के लिए पास्ट का प्रयोग किया जाता है और कम के लिए टू का प्रयोग करते हैं। दैट इज़ ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश में बचकर के लिए पास्ट और कम या बाकी के लिए टू, लेकिन जब आप अमेरिकन इंग्लिश में जाएंगे तो देयर आर सम वेरिएशंस, तो वो भी जान लें, बट वी हैव टू फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश। लेकिन आप अमेरिकन इंग्लिश भी जानते चलें, क्योंकि हो सकता है सामने वाला बंदा स्पोकन में अमेरिकन इंग्लिश का प्रयोग करे, देयर यू विल बी कन्फ्यूज्ड। सो अमेरिकन इंग्लिश में बचकर के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। यस, बचकर के लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे और कम के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे, ओ एफ। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ऑफ, ओ एफ। सो लेट अस टेक टू एग्जांपल्स फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश। 1:05 हुआ है, इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज 5:01। इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज 5:01, इट इज 5:01। सिमिलरली 1:05 कम है, इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज 5:01, इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज 5:01। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश। यहाँ पर वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात ज़रूर आप जान लें, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितने भी हमने अभी वर्ड्स इस्तेमाल किए, डिजिट इस्तेमाल किए, वो 5 के गुणज में थे, 5, 10, 15, 5, 10, 15। लेकिन अगर कोई ऐसा अंक आ जाए जो 5 के गुणज में ना आता हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2, 3, 4, फॉर एग्ज़ाम्पल 6, 7, 8, 9, कोई भी ऐसा अंक जो 5 के गुणज में न आता हो, तो वहाँ पर मिनट लगाना आवश्यक होगा। यस, अगर आपको कहना है कि 10:10 हुआ है, तो यू विल से इट इट इज़ 10 past 10, मिनट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कहना है कि 10:11 हुआ है, सो यू कैन नॉट से इट इज़ 11 past 10, यू शुड से इट इज़ 11 minutes past 10। उसी प्रकार 7:07 हुआ है, इट इज़ 7 past 7, नो, इट इज़ 7 minutes past 7। सो दैट इज़ ऑल फॉर टेलिंग द टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज। और इस पर आप कुछ दूसरे सेंटेंस, जैसे 10:05, 10:10, 10:15, बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारे सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका ड्रिलिंग हो और आपका टंग ट्विस्टेड हो जाए। जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में टाइमिंग बताने की बात हो, तो आपको वहाँ थोड़ा भी हेजिटेशन ना हो। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ड्रिलिंग करनी होगी, आपको वॉच देखना होगा और फिर उसे एक्सप्रेस करना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, तब जाकर इस पर आपका कमांड होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
video, keep learning, and if the Almighty wishes, we shall be meeting in the next video. Thanks a lot. Till we meet again in the next video.